हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर सो मेनी डेज आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर द स्टूडेंट्स दोज आर गिविंग द एग्जामिनेशन ऑफ आईएससी बोर्ड एंड ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज in this video I'm going to tell you very important thing about your mathematics paper. This video you just see till the end. Myself Ashish Srivastava and this is Study Bright channel. So many videos are there in my channel, you can go through, but in this video I will tell you the exact syllabus of the mathematics for class 12 and also pattern. So first of all I tell you the syllabus. Actually some students asked to me that sir ki syllabus to hame pata hai, bifurcated hai, is baar aapko pata hoga ki the syllabus is bifurcated in the mathematics in other subjects also, but how many means which particular exercise is reduced, कौन सी exercise reduce है और किस chapter में कितनी exercises reduce है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. That is very important for you. As you know, when you read the when you study the your syllabus in the mathematics, this is the ML Agrawal, by ML Agrawal, Understanding Mathematics. This book I have taken, and from this book I will tell you the number of exercises name and the chapters ki kaun kaun se chapter se kaun kaun si exercise hati hui. Okay, so just without wasting the time let us come to the point ki sabse pehle aapko ye dekh lijiye, aap ye book hai, isi book se maine banaya hai. Filhal main topic bhi bata dunga ki kaun chahe jo bhi book aap use kare wo topic hate hue hai. To sabse pehle main aapko bata raha hu chapter 1, that is relation and function. In the relation and function, the exercise in this book the exercise 1.4 and 1.7 are reduced. 1.4 and 1.7, as you know, the 1.4 and 1.7 which are the exercises, kaun si exercises hain ye, aap ye do exercise hain, ek composite function ki और एक बाइनरी फंक्शन, जो बाइनरी ऑपरेशंस के हैं और जो कंपोजिट फंक्शन के, वो दोनों एक्सरसाइजेस आर रिड्यूस्ड, बोथ आर रिड्यूस्ड. इन चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिलहाल उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं है, सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ग्राफ ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आएंगे, ये आप याद रखिए. फिलहाल तो क्वेश्चन भी आपके कोर्स में नहीं है. अभी जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 है, उसमें ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए आप उसको हटा ही दीजिए. एक्सरसाइज 2 मतलब पूरी इनवर्स फंक्शन आ गई है, ठीक है. देन चैप्टर 3, दैट इज द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स वेरी इजी चैप्टर, लेकिन उसमें जो एक लास्ट में टॉपिक दिया गया है कि फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, that is exercise 3.5, that is not in the syllabus for your examination. ये मैं सिर्फ आपके यानी 2023 के examination के बारे में बता रहा हूँ. Then chapter 4 determinant. In the determinant, everything is there except the exercise 4.3. 4.3 क्या है? वो ये है कि जिसमें determinant के जरिए यानी using determinant finding the area of the triangle. ये नहीं है और दो चीजें नहीं है फिलहाल, वो आपके उसमें क्वेश्चंस भी नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटरमिनेंट वो भी नहीं है, तो वो क्वेश्चंस भी उसके रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपको ये निकालना. और एक चीज जो डिटरमिनेंट में आपका लास्ट एक्सरसाइज दी गई है जिसमें यूजिंग क्रैमर्स रूल है, क्रैमर्स रूल से आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है, बट टू चेक द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी these two are not in the syllabus, in your syllabus. सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन निकालना है, यानी यूनिक
सॉल्यूशन जिसमें होगा वही साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग डिटरमिनेंट सॉरी यूजिंग मैट्रिक्स रूल और वो क्रैमर्स रूल सॉरी वो मार्टिन्स रूल कहलाता है। क्रैमर्स रूल नहीं सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल डिटरमिनेंट के जरिए होता है और मार्टिन्स रूल मैट्रिक्स के जरिए होता है। तो ये आपको देखना है, तो सिर्फ वो क्वेश्चन आप याद रखिएगा जिसमें डिटरमिनेंट यानी जब हम मैट्रिक्स को सॉल्व कर मैट्रिक्स की यूज लेते हैं तो उसमें जो मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहली ए मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। यदि डिटरमिनेंट जीरो हुआ जिसको हम मॉडुलस भी कहते हैं तो जीरो यदि हुआ तो उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिर्फ कौन से क्वेश्चन आएंगे जिसमें डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर। देन चैप्टर फाइव इन चैप्टर फाइव दैट इज द डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी देन एक्सरसाइज 5.12 एंड 5.13 दीस टू एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द रोलेस थ्योरम एंड द लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। These two theorems are not in the syllabus, in your syllabus for 2023 examination. Then chapter 6, whole chapter will not come in the examination. This is reduced. That is the indeterminate form when using L option. तो ये अब आपके कोर्स में अभी नहीं है, इस बार के कोर्स में नहीं है 2023 के। Then chapter 7, this chapter 7 is the application of derivative, जिसको short में AOD भी कहते हैं। तो in this the 7.3 is not in the syllabus and this is the approximation error percentage, ये सब निकालना using differentiation। तो approximation और ये सब चीजें नहीं है तो इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। Then chapter 8, in chapter 8 इंटीग्रेशन दैट इज वेरी बिग चैप्टर, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस आल्सो ज्यादा है, लेकिन इसमें एक ही चीज है वो है 8.15 एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज इज द इज कॉल्ड द एज द लिमिट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। ये एक्सरसाइज हटी हुई है, इसको नहीं करना है, ठीक है। लिमिट ऑफ सम एज द लिमिट ऑफ सम याद रखिएगा, ये किसी भी बुक में। देन चैप्टर 9, इन चैप्टर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले है 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, दिस इज नॉट इन द सिलेबस 9.3 नहीं है। 9.8 जो लास्ट में ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी नहीं है आपको, यानी प्रॉब्लम लैंग्वेज बेस्ड नहीं आएगा, वो सिर्फ आपको इक्वेशंस दी जाएंगी उसी को सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। Then chapter 10, that is 10.8 and 10.9. Chapter 10 is the probability. Probability में आपका chapter 10.8 exercise 10.9 नहीं है, क्यों? ये Bernoulli's trials या binomial theorem से related है, इसमें mean variance distribution, binomial distribution ये नहीं है। These are the two last exercise that you not covered in the syllabus, ठीक है? Then in section B. In section B, these up to chapter 10, the section A, from section B, chapter 1, chapter 2, chapter 3, तो chapter 1 में आपका exercise 1.4 नहीं है, this is the vector chapter. In vector, only scalar triple product is reduced and also geometrical, the proof of the geometrical theorem by vector, ये भी नहीं है, ये कोई भी question ऐसे नहीं आएगा जिसमें आपको proof करना हो geometrical theorem को vector के help से, ऐसा नहीं आएगा। तो वेक्टर ट्रिपल को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है और साथ में वो भी नहीं है, तो एक्सरसाइज 1.4 इज रिड्यूस्ड नाउ। चैप्टर 2 दैट इज द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इन स्ट्रेट लाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज क्यू लाइंस एंड को प्लैनर लाइंस, दीस आर नॉट इन द सिलेबस, तो एक्सरसाइज 2.4 इज नॉट इन द सिलेबस। और 2.6 में जो प्लेन है उसमें आपको फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दीज आर नॉट इन द सिलेबस, मतलब क्वेश्चन नंबर 25 से 28 नहीं है, बाकी है एक्सरसाइज 2.6, बाकी और भी क्वेश्चंस कवर करते हैं और भी टॉपिक, लेकिन उसमें जो लास्ट में 25 से 28 क्वेश्चंस है वो नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। ये हम बात कर रहे हैं बाय द अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल क्लास 12, ठीक है। Then the last one, chapter 3, and this is the application of integration, that is 3.1 exercise. In this,
you have to find the area of the curve by using the integration. And in this we cover the circle, ellipse, parabola. Parabola, circle, ellipse. Also the line. Okay, these four in standard form. तो ये क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे अप टू 30. उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इन सबके कर्व का एरिया नहीं निकालना है. यानी दीज आर नॉट इन योर कोर्स, इन योर सिलेबस. तो क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक नहीं आपको करना, उसके पहले तक करना है. तो दीज आर द सिलेबस फॉर द साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स जो सेक्शन बी अटेम्प्ट करेंगे. बट सेक्शन सी इज ऑल्सो देयर इज चॉइस इन सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. तो आपको क्या करना है, सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है या सेक्शन सी अटेम्प्ट करना है. सेक्शन ए इज कंपल्सरी फॉर बोथ स्ट्रीम, चाहे वो कॉमर्स वाले हो और चाहे वो जो भी मैथ्स लेंगे, चाहे साइंस स्ट्रीम, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम, चाहे जो भी आर्ट स्ट्रीम भी. तो इन सेक्शन सी व्हाट इज नॉट कवर्ड आई टेल यू बिकॉज आई हैव द बुक हियर एंड एक्सरसाइज. इन फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स ओनली द एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 1.4 इज नॉट इन द कोर्स. That is the based on the integration method. Integration method नहीं है, differentiation तो है, but integration method is not in the syllabus. तो 1.4 exercise. Similarly, linear regression chapter 2, linear regression. Everything is there. I think the question is also not in the exercise 2.1. तो सिर्फ एक topic उसमें angle between the two regression line. This is not covered in the syllabus. तो इसको आप छोड़ दीजिएगा. एक फॉर्मूला दिया गया है उसको आप छोड़ दीजिए. लीनियर प्रोग्रामिंग में जो चैप्टर 3 है सब कुछ है एक्सेप्ट वन थिंग, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज नॉट इन द सिलेबस. तो ये आप छोड़ सकते हैं. तो अब बात करते हैं, ये तो रही सिलेबस की बात, अब बात करते हैं पैटर्न. दिस इज द स्टडी ग्राइड चैनल बाय आशीष सर. नाउ आई टेल यू द पैटर्न इन द सेक्शन ए. As you know, there are the three sections, but section A is compulsory for all. Section A is compulsory for all. And there will be the how many question? Question number 1 having the 15 parts. 15 parts. आप देख सकते हैं. Question number 1 में 15 parts होंगे और ये 15 parts 1-1 marks के होंगे. तो 1-1 marks होंगे तो आपको और शुरू के 1-10 parts जो होगा 1-10 पार्ट ये एमसीक्यू टाइप से होगा और 11-15 पार्ट मतलब कि आपके जो लास्ट के 5 पार्ट होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे. शॉर्ट आंसर मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, एक एक लाइन दो लाइन में आपको कैलकुलेट करके बताना है. बट द फर्स्ट 10 पार्ट्स विल बी एमसीक्यू ओनली, यू हैव टू राइट द ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर 6 यानी 5 क्वेश्चन, दिस विल बी ऑफ 2 मार्क्स ईच मतलब ये 5 क्वेश्चंस आपके दो दो नंबर के होंगे, 2-2 मार्क्स के, और बड़े आसानी से हो जाएंगे वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे. देन क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 7, 8, 9, 10 फोर क्वेश्चन आप 4 मार्क्स ईच, दीज आर द 4 मार्क्स ईच, यानी आपके ये 10 मार्क्स का हो गया और ये आपका हो गया 4, 4, 4 से 16 मार्क्स. एंड देन क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14 दीज आर ऑफ 6 मार्क्स ईच. ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आया. एंड देन दिस इज फ्रॉम सेक्शन ए. ओके अप टू देन सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन बी आर सेक्शन सी, इसमें भी आपको सेम टाइप मतलब दोनों में आपको जैसे बी में बताएंगे वैसे ही सी में भी आएगा. क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा आपके 5 पार्ट्स होंगे और उन 5 पार्ट्स में से फर्स्ट 2 पार्ट विल बी एमसीक्यू और 3 पार्ट्स आपका होंगे एक एक नंबर के होंगे 5 मार्क्स होगा 1 × 5 यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 5 पार्ट्स होंगे तो 2 पार्ट्स एमसीक्यू होगा और 3 पार्ट्स आपके बहुत ही शॉर्ट आंसर जैसे इसमें ये शॉर्ट आंसर ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 होगा आपका 2 मार्क्स का
Severe question, 2 marks. Then question number 17 and 18. 17 and 18, these are 4 marks each. अब आप अगर इसको add करें तो आपको देखिए क्या होगा, 15 marks ये हो गए, 10 marks ये हो गए, यानी कि 25, ये 14 marks, 16 marks हो गए, 25 plus ये आपके हो गए 25, और ये आपके हो गए 16, और 6 4s are 24, और ये आपके total मिला करके 5 marks, 2 marks and 8 marks, यानी कि ये 15 marks हो गए। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो add करेंगे तो कितना आएगा, total 80 marks, 80 marks आप क्वेश्चन पेपर, तो सेक्शन ए आपका 65 marks का होगा टोटल, और सेक्शन बी या सी 15 marks का होगा, और 20 marks आपके जो प्रैक्टिकल जो आपका वाइवा होगा, फाइल बन रही होगी ना, उसमें से आएगा। तो ये रहा आपका पैटर्न, तो ये आप देखिए, इसी के अकॉर्डिंग आप करिएगा, कुछ चीजें और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you, all the best.